हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं। ये जो शब्द हैं ये उत्पत्ति के अनुसार हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तत्भव शब्द क्या होते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाइए। बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा लिया है तो ये आपके किसी भी एग्जाम में हेल्प करेंगे, जिस भी में आपको हिंदी ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। हिंदी भाषा में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं, यानी उत्पत्ति के शब्दों का वर्गीकरण किया गया था, है ना। कोई उत्पत्ति की दृष्टि से था, है ना, कोई बनावट रचना की दृष्टि से था। तो इसमें जब हम उत्पत्ति की दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये दोनों तो हम ऑलरेडी इस दोनों टॉपिक को हमने पढ़ा है, प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देखिएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं और संकर शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देशज को देखेंगे कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज से क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जो देश का ही हो, अपने देश का हो, ठीक है। जैसे देशज शब्द देश धन ज के योग से बना है। देशज कैसे बना है? देश धन ज के योग से बना है। यहाँ देश का अर्थ होता है क्षेत्र या स्थान विशेष तथा ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। यानी ऐसे शब्द जो अपने देश में जन्म, ऐसे शब्द जो जिन्होंने अपने देश में जन्म लिए हैं वो शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार बना लिया जाता है और तथा सीमित क्षेत्र में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, वैसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी किसी छोटे छोटे स्थान से वो शब्द क्या जन्म लिया है और उसके बाद उस वो आवश्यकता अनुसार उसका हम प्रयोग करने लगे हैं हिंदी भाषा में भी, है ना। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं, जो कि अपने ही देश में जिन शब्दों ने हमारे ही देश में जन्म लिया है उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। समझ में आया? और कहाँ से निकले हैं वो? छोटे छोटे स्थान से, छोटे छोटे क्षेत्रों से निकल के हिंदी भाषा में वो यूज होने लगे हैं। अब कौन कौन से देशज शब्द जो हम छोटे छोटे क्षेत्रों से निकले हैं जिनको हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं? जैसे खिचड़ी, पेट, खचाखच, गड़बड़, रेवड़, थप्पड़, ऊबड़ खाबड़, छोहरा, छोहरी, लोटा, है ना, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चसक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई। ये सब क्या है? देशज शब्द है और ये हमारे ही देश में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इसको देशज शब्द बोलते हैं। अब ये सब शब्द कहाँ से? छोटे छोटे क्षेत्रों से निकल के आके हमारे हिंदी भाषा में यूज होने लगे हैं, ठीक है। तो इन सब शब्दों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप इनमें से बताओ कि देशज शब्द कौन है। तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी होगी देशज शब्द की, जिससे आपको याद करना होगा उस लिस्ट को। और ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट कॉमन देशज शब्द है, जिससे आप इजिली बता दो कि कौन से देशज हैं और कौन से विदेशज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विदेशज शब्द या विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेश का मतलब क्या है? दूसरे देश से मतलब है ना। तो जो ऐसे शब्द जो अन्य देश में जन्म लेने वाले हैं, है ना, विदेशज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य देश में जन्म लेने वाला। यानी विदेशी जो आते हैं पर्यटक हमारे देश में, वो दूसरे देश से तो आते हैं, दूसरे देश से जन्म लेके तो आते हैं, उसी तरह दूसरे देश से कुछ शब्द भी हमारे देश में आके हमारे देश की भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं मानो वो हमारी ही भाषा का अंग है, है ना। तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि अन्य देश में जन्म लेने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो भारत देश में भिन्न किसी
अन्य देश की भाषा से उत्पन्न हुए थे, लेकिन आज उनको हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है एवं वो हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि उन्हें हिंदी से पृथक यानी अलग नहीं किया जा सकता है ना, इतने ज्यादा वो घुल मिल गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द हैं। अब ऐसे शब्द आए कहाँ से? अब आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत लोगों ने, बहुत अलग अलग देश के लोगों ने राज किया, मुगल ने राज किया, फिर पुर्तगाल से लोग आए, फिर जर्मन लोगों ने आए है ना, फ्रेंच लोग आए, सब आए, तो सबकी भाषा धीरे धीरे हमारी भाषा के साथ मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से इन सब भाषाओं की उत्पत्ति हुई। अब कुछ भाषाओं को देखते हैं जो कि अलग देश से आए हैं और हमारे देश में की भाषाओं के साथ मिल गए हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं उसको आप देखना। जैसे मोस्ट कॉमनली जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हम यूज करते हैं हिंदी में, जैसे हम यूज करते हैं पेन। अब हम क्या बोलते हैं, एक पेन लाना, हम कभी ये नहीं बोलते कि एक कलम लाना, हम क्या बोलते हैं, एक पेन लाना, एक कापी लाना है ना, वो पेन, कापी, रजिस्टर, चाक, बैंक, ड्राफ्ट, चेक, कार, जीप, टेलीफोन, रेडियो, एजेंडा, ये सब कहाँ से आए हैं, अंग्रेजी भाषा शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में घुल मिल गए हैं। दूसरा है अरबी। अरबी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे आदमी, औरत, जिला, तहसील, मुहावरा, अलमारी, ये कौन से शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में मिल गए हैं। फ्रेंच से कौन कौन से शब्द आए, जैसे कूपन, हम बोलते हैं ना कि अगर आपको खाना खाना है, आप किसी शॉप पे जाओ तो आपको बोला जाता है कि अगर खाना खाना है तो पहले कूपन लेकर आइए, है ना, तो कूपन हो गया। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हो कि मेनू कार्ड रहता है, वहां पे मेनू बुक रहती है, तो वो मेनू हो गया। सूप आप पीते हो, तो ये सब कहाँ के शब्द हैं, फ्रेंच शब्द हैं। उसके बाद जापान से भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे रिक्शा, सुनामी, शायोनारा, शायोनारा का मतलब होता है अलविदा, टाटा, बाय बाय, है ना, तो ये होता है। चीन से कौन कौन से शब्द हैं जिसको चीनी शब्द बोलते हैं, जैसे चाय, तूफान, लीची, ये कहाँ के शब्द हैं, चीन से आए हैं, चीन देश से आए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इस तरह के आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, जैसे आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, आया, इस्पात, इस्त्री, कमीज, कंस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोवी, तौलिया, ये कहाँ के हैं, पुर्तगाली शब्द है। तो ये शब्दों की लिस्ट अगर आपको याद रहेगी ना कि पुर्तगाली शब्द कौन है, तुर्की वाले शब्द कौन है, फारसी शब्द कौन है, तो जब आपसे एग्जामिनेशन में चार ऑप्शन दिया जाएगा ना तो आप इजीली बता दोगे कि नहीं, अगर कमीज देगा तो अरे ये तो पुर्तगाली है, तौलिया क्या है, पुर्तगाली है। तो जब आप MCQ की क्लास में लेकर आऊंगी तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। अब तुर्की भाषा से कौन से शब्द आए हैं, जैसे उर्दू, उर्दू कभी भी अरबी नहीं है, याद रखिएगा, तुर्की शब्द है उर्दू। मुगल भी तुर्की है यानी अरबी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आका, काबू, कालीन, कैची, कूली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमागा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लाफंगा, सौगात, सुरा, तो ये सब कहाँ से आए हैं, तुर्की भाषा से। फारसी शब्द कौन से हैं, जैसे अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आवारा, आदमी, आवाज, आफत, आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुर्सी और किशमिश, ये कहाँ से आए हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट में पढ़ेंगे, हमने देशज पढ़ लिया, विदेशी शब्द पढ़ लिया, अब संकर शब्द कौन से होते हैं। संकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण, मिश्रण यानी मिक्सचर, है ना, संकर का शाब्दिक शब्द क्या होता है, मिक्सचर, यानी दो भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। समझ में आया, संकर शब्द किसे कहते हैं, दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं और एक नया शब्द का रूप लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और यहाँ अगर इसको दो पार्ट में, दो पार्ट से, दो भाषाओं से मिले हैं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी से
भाषा से मिलके क्या बना है, रेलगाड़ी। कैसे बना है? रेल कौन सा शब्द है? अंग्रेजी। और गाड़ी क्या है? हिंदी। तो दो भाषाओं के शब्द मिलके रेलगाड़ी बना लिया, और ये क्या है? संकर शब्द है। जैसे जांच करता, जांच कहाँ का है? जांच है हिंदी है, और कर्त्रा है संस्कृत का। टिकट घर, टिकट मतलब टिकट अंग्रेजी का है, घर है हिंदी का, तो अंग्रेजी प्लस हिंदी के शब्दों से मिलकर बना है टिकट घर। लाठी चार्ज, लाठी क्या है? हिंदी का है, चार्ज क्या है? अंग्रेजी का है। अग्निबोट, अग्निबोट अग्नि क्या है? संस्कृत का है, और बोट क्या है? अंग्रेजी का है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? शंकर शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संकर शब्द क्या होते हैं, देश शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द क्या होते हैं। तो आपका जब MCQ का सेशन आएगा तो और आपकी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।